अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज एक और मज़ेदार और आसान रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं वेनिला एंड चॉकलेट पैनकेक्स। क्विक एंड इजी रेसिपी है, बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी इसे इंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार और फ्लफी आपके पैनकेक्स बनेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। एक कप मैदा, एक चौथाई कप दूध, दो टेबलस्पून चीनी, दो टीस्पून बेकिंग सोडा, नमक हसबे जायका, एक अंडा, दो टेबलस्पून बटर और वेनिला एसेंस। सबसे पहले बाउल में हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, मैदा शामिल करेंगे, इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, बेकिंग सोडा के बाद हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे और इन चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें अंडा शामिल करेंगे, एक अंडा लिया है वो सारा इसमें डाल देंगे और इसके बाद जो दूध हमने लिया था 1/4 कप वो हम शामिल कर देंगे। अब इस बैटर को अच्छे से हमने मिक्स करना है। दूध हमने 1/4 कप लिया था वो सारा हमने इसमें डाल दिया है, लेकिन अगर हम चेक करेंगे हमारा बैटर अगर गाढ़ा है तो हम इसमें और दूध भी शामिल करेंगे ताकि इसकी एक परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी बन जाए जिससे हमारे पैनकेक्स तैयार होंगे। पैनकेक्स के लिए हमें बैटर को बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, एक मुनासिब सी कंसिस्टेंसी इसकी बनानी है। इस तरह का हमारा बैटर होना चाहिए जिससे हमारे पैनकेक्स बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे। अब हम इसमें वेनिला एसेंस के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। कुछ ड्रॉप्स डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें मेल्टेड बटर जो हमने 2 टेबलस्पून लिया था वो हम डाल देंगे। आप सॉल्टेड और अनसॉल्टेड कोई भी बटर डाल सकते हैं इसमें, मैंने इसमें सॉल्टेड बटर डाला है। अच्छे से आपको इस बैटर को मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और हमारा एक स्मूथ सा बैटर बन जाए। अब हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये वेनिला बैटर है जो हमने बनाया है। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे हाफ किसी और बाउल में और उससे हम अपना चॉकलेट बैटर बनाएंगे। सेम यही मेथड है चॉकलेट बैटर बनाने का भी, बस इसको हम अलग करके चॉकलेट बैटर बनाने के लिए इसमें हम 2 टेबलस्पून कोको पाउडर शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। कोको पाउडर डालने की वजह से थोड़ा सा यह वाला बैटर हमारा जो है वो गाढ़ा हो जाएगा, तो इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमें जैसी बनानी है जैसे हमने वेनिला बैटर की बनाई थी, तो उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे। अभी हमने कोको पाउडर और डाला है, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर हमने आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें सारा शामिल कर दिया है। थोड़ा सा हम इसमें दूध और शामिल करेंगे ताकि ये अच्छा सा हमारा बैटर बन जाए। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत क्विक एंड इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार और फ्लफी आपके पैनकेक्स बनेंगे और स्पेशली बच्चे तो इसको बहुत ही इंजॉय करेंगे। अब हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है, दोनों बैटर्स रेडी हैं, अब हम इनको कुक करेंगे। पैन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम 1/4 कप वेनिला बैटर का बिल्कुल सेंटर में डालेंगे पैन के और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देंगे। जब इस तरह से इस पे बबल्स नज़र आने लगे तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। एहतियात से आपने साइड चेंज करनी है। देखा कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आया है पैनकेक पे। फ्लेम आपने बिल्कुल लो ही रखनी है और इनको दोनों साइड से पकाना है जब तक कि ये गोल्डन से कलर के दोनों साइड से ना हो जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको, हार्डली 2 to 3 मिनट्स लगेंगे और ये पैनकेक हमारा रेडी हो जाएगा और हम इसको निकाल लेंगे। हल्का हल्का सा प्रेस करके हम इसको दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे ताकि सब तरफ इवनली गोल्डन सा कलर आ जाए। अब हमारा पैनकेक बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह हम अपने बाकी पैनकेक्स को भी फ्राई करेंगे।
अब मैंने पैन में दो पैनकेक्स एक साथ ही डाल दिए हैं, क्योंकि पैन में हमारे जगह थी। जिस साइज़ के हम पैनकेक्स बना रहे हैं तो इजीली दो पैनकेक्स एट अ टाइम बन जाएंगे, टाइम भी बचेगा। इनको भी हम उसी तरीके से दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। पैनकेक्स भी हमारे रेडी हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। और इसी मेथड से हम बिल्कुल चॉकलेट पैनकेक्स को भी फ्राई करेंगे। 1 कप मैदे से हमने जितना बैटर बनाया है इसमें आपके इजीली 8 पैनकेक्स तैयार हो जाते हैं इस साइज़ के। 4 हमने बनाए हैं वनीला के और 4 हमने बनाए हैं चॉकलेट बैटर से। तो 8 पैनकेक्स आपके इजीली रेडी हो जाते हैं 1 कप से। आपने जितनी क्वांटिटी बनानी हो उस हिसाब से आप इस रेशो में इजाफा करते जाएं। ये पैनकेक्स भी हमारे रेडी हो चुके हैं मज़ेदार से, इनको भी हम निकाल लेंगे और सर्व करेंगे हम इसको बटर के साथ, हनी के साथ सर्व करें, चॉकलेट सिरप से डेकोरेट करें और इन्जॉय करें इस मज़ेदार और फ्लफ़ी से पैनकेक्स को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से मुझे बताते रहें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह और किसी अच्छी रेमेडी या कुकिंग रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।